Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजी काली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है गौतम अडानी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। Hey guys, तो वीडियो का टाइटल है गौतम अडानी ब्लूमबर्ग इंडेक्स थर्ड नंबर वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। ओह माय गॉड, सो स्टार्ट। दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी। सरकार की करीबियों के आरोप के बीच बढ़ी संपत्ति। ब्लूमबर्ग बिलेनियर के ताजा आंकड़ों में तीसरा स्थान। देश के उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। ताजा आंकड़ों में अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जिन्हें ब्लूमबर्ग बिलेनियर के ताजा आंकड़ों में तीसरे नंबर पर रखा गया है। आंकड़ों में गौतम अडानी की कुल संपत्ति अब $137 बिलियन हो गई है, जिनसे सिर्फ एलन मस्क और जेफ बेजोस ही आगे हैं। गौतम अडानी दुनिया के $137 बिलियन के साथ तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जबकि टेस्ला चीफ एलन मस्क की कुल संपत्ति $251 बिलियन है। वहीं अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस की कुल संपत्ति $153 बिलियन है। गौतम अडानी $137.4 अरब यानी रुपए में देखा जाए तो करीब 10,97,570 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक। गौतम अडानी ने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट को पीछे छोड़ते हुए ये स्थान हासिल किया है। यह पहली बार है जब कोई एशियाई व्यक्ति ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के शीर्ष तीन में शामिल हुआ, खास तौर पर भारतवासी। गौतम अडानी से पहले मुकेश अंबानी सबसे अमीर एशियाई में शामिल थे, जिन्हें पहली बार फरवरी में अमीर एशियाई के रूप में अडानी ने ही पछाड़ा था। वहीं पिछले कुछ महीने दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सॉफ्टवेयर कॉर्प के बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया था। 60 वर्षीय अडानी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कॉल टू पोर्ट समूह का विस्तार करते हुए डाटा सेंटर से लेकर सीमेंट मीडिया और एलुमना तक हर चीज में कदम रखा है। इनका समूह अब भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह और हवाई अड्डे के संचालक, शहर गैस वितरक और कोयला खदान के मालिक। वहीं नवंबर में दुनिया की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनने के लिए हरित ऊर्जा में उन्होंने $70 बिलियन का निवेश करने का वादा किया था। जैसे जैसे गौतम अडानी का समूह बढ़ रहा है, वे अमीर लोगों की सूची में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां पहले भारत के बाहर कुछ ही लोग गौतम अडानी के बारे में जानते थे, वहीं आज ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हालांकि कुछ लॉ मेकर और बाजार पर नज़र रखने वालों ने अपारदर्शी शेयर धारक संरचनाओं और अडानी समूह की कंपनियों में विश्लेषक कवरेज की कमी पर भी चिंता जताई। एक कॉलेज ड्रॉप आउट गौतम अडानी ने अपने करियर की शुरुआत पहले हीरा व्यापारी के तौर पर की थी, हालांकि बाद में उन्होंने अन्य क्षेत्रों में हाथ आजमाया और आज वे सबसे कामयाब बिजनेसमैन बन गए। वहीं गौतम अडानी ने जून में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर सामाजिक कार्यों के लिए $7.7 अरब दान करने का संकल्प लिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। जी जनाब, $137 बिलियन के मालिक हैं। $137 बिलियन। अच्छा, एक और मुझे एक बात और याद आ रही है जी, कि हम IMF के पास क्यों जा रहे हैं? अच्छा मैं, ये तो अपने ही है यार, थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे, थोड़ा सा कह देंगे यार, अपना एक साथ रहा है, अपना एक यार जिंदगी, हम साथ पले बड़े हैं, दो भाई हैं यार, समझा करो यार। आपकी यहाँ भी फैक्ट्रियाँ लगवा देंगे हम। अच्छा, समय तो सही, अडानी की यहाँ फैक्ट्रियाँ लगवा दूंगा मैं, मतलब बोल के कोई सेटिंग करके कराची वराची में कारखाने लगवा देंगे। अरे एक मार्केट दे देंगे हम, चाइना को क्यों मार्केट दें यार, अपनों को दें यार, अपने दो भाई हैं पिछड़े हुए यार, सुधर जाए। अच्छा मैं ये कह रही थी दो बातें जो बहुत ही हैरान कुन है। पहली बात, इनके क्लिप्स पाकिस्तान में वायरल हो रहे होने चाहिए। जो ब्लूमबर्ग वाला है ना, ये मैं फेसबुक पे भी देख चुकी हूँ, मैं यूट्यूब पे भी देख चुकी हूँ, बहुत कई जगहों पे, कई साइट्स पे देख चुकी हूँ, बिल्कुल ऐसा ही बहुत वायरल हो रहे कि शायद पाकिस्तान में इनको सब जानने लग गए हैं, इतने ये वायरल हुए हैं। अब क्या होगा, जानने लग गए तो? जानने लग गए तो पता नहीं क्या होगा मुझे, वो आप वाला काम तो नहीं होगा ना, पता नहीं। अच्छा दूसरी बात ये है, तो कितनी बड़ी बात है, मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि हम इसको
इतना भी सराहें कम है कि अपने बर्थडे के मौके पर इतने बड़े उत्सव पर $7 बिलियन का डोनेशन कर दिया। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक और बात बता दूँ, जितने भी लोग ऊपर तक पहुँचे हैं और ये सारा मुझे ऐसा लगता है हमने बचपन से सुना है, अभी भी सुन रहे हैं, हज़ारों लोगों की बातें हैं कि जब तक आप देते हैं ना आपकी दौलत में इजाफा होता है, आप लोगों की मदद करते हैं आपकी दौलत में ऑटोमेटिक इजाफा होता है। आप लालच दिखाते हो ना कि 100 रुपये मैं 100 रुपये बचा के रखूँ, गलत है। आप 25 रुपये दे दो, 75 रुपये रखो अपने पास, तो वो यकीन करें वो 25 रुपये लौट कर आपके पास दुगने तिगने होकर आएंगे, 70 गुना। और मैं 100% श्योर हूँ कि इनके बहुत बड़े बड़े चैरिटेबल इदारे होंगे, चैरिटी करते होंगे, इनके बाकायदा अपने स्कूल्स होंगे जिसमें बाकायदा ये लोगों को शिक्षा देते होंगे, बाकायदा इनके फूड के जैसे होता है ना सिस्टम, लंगर खाने होते हैं 100% जैसे मंदिरों में होता है और वहाँ पे एक सिस्टम चलता है बाकायदा। हमने तो कहीं देखा कि ऐसे ऐसे भी टेम्पल है जहाँ डेली बेसिस पे हज़ारों लोग खाना खाते हैं। अब जब हज़ारों लोग खाना खाते हैं तो कहाँ से आता है वो? वो इसी तरह बिजनेसमैन जो होते हैं, इसी तरह से जो जिनके पास बहुत बेशुमार दौलत है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अगर 500,000 लोगों के लिए डेली बेसिस पे खाने का इंतज़ाम करें, उनकी दौलत में मजीद इजाफा होता है। अच्छा फर्क ही नहीं पड़ता देने से, लेकिन उनके देने से कितनों का भला होता है, कितनों को फर्क पड़ता है? बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको भी फर्क पड़ता है पॉजिटिव वाला, इनकी भी दौलत में इजाफा होता है, ये फर्क ज़रूर पड़ता है। अच्छा एक और चीज़ है कि आप इसको थोड़ा सा ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करें इस बात को कि ज़्यादातर हमारे जहन में अमीर लोग, अमीर देश, दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलप देश कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है ना, अमीर तरीन लोग भी वहीं से, यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा यहाँ से अगर जैसे तीसरे चौथे नंबर पे मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी और अडानी जी, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि शायद दुनिया का जो ग्लोबल है वो यूं चेंज हो रहा है। exactly, इसको ओवरऑल अगर बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से नोट किया जाए, बहुत गहरी बात की है आपने कि ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है हमें कि यूरोपियन कंट्रीज अब पीछे हैं और एशिया की कंट्रीज अब आगे निकल रही हैं, और स्पेशली इंडिया एक मैं कहूँगी सिग्निफिकेंस, इसकी एक तरक्की, एक प्रोग्रेस दिख रही है आलमी तौर पर, हर मुल्क को, हर लोगों को। अच्छा दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, गौतम अडानी जी के हवाले से हमने एक वीडियो देखी, बड़ी डिटेल्ड वीडियो थी, एक आधी वीडियो ही देखी होगी हमने, बाकी हमने कोई कार्य हो गया, कोई ट्वीट कर दिया इन्होंने तो हम देखते हैं, लेकिन डिटेल्ड वीडियो हमने एक आधी देखी है शायद। तो उसके अंदर बताया गया था कि ये जो बहुत ज़्यादा परवान चढ़े हैं, बहुत कामयाबी की बुलंदियों की तरफ जो आए हैं ये, तो काम तो ये बहुत पहले से कर रहे थे, कोविड के दौरान बहुत कामयाब हुए। आपको याद है और कोविड के दौरान ये बहुत, तो मुझे हमेशा ये होता है क्या कोविड में लोग कहते हैं हम बड़े बर्बाद हो गए, बड़े पीछे आ गए, इकनॉमी तबाह हो गई कई कई कंट्रीज़ की, तो ये भी तो देखें ना कि कोविड का अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहे हैं तो पॉजिटिव भी रहे, कुछ लोगों की जिंदगियां बन गई, कुछ लोग उभर गए। देखिए आपको आसपास के माहौल से आपको कुदरत एक मौके देती है, अगर आप आंखें अपनी बंद करते हैं तो आपको मौके दिखते भी नहीं है। आपको अपने आसपास मौक़ों को फ़ायदा उठाना है, आपको उन मौक़ों को अवेल करना है, आपको समझना है कि यार ये मौका है। हर शख्स के मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि आपको कभी ना कभी तरक्की करने का एक मौका कुदरत ज़रूर देती है। आपको एकदम एक आपकी ज़िंदगी में एकदम से एक चीज़ें आना आती हैं। अच्छा आप उस टाइम पे बिल्कुल मायूस हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको यकीन ही नहीं आ रहा, आप उसको अवेल ही नहीं कर सकते, आपको अब क्या मतलब है कि आप खुद ब खुद अमीर हो जाएंगे, मतलब कैसे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, आपको कुछ करना होगा, आपको तो कुछ करना होगा ना, उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना होगा, आप उसको अवेल करना होगा, कोई बिज़नेस का हो सकता है, कोई अच्छी बड़ी जॉब का हो सकता है, कोई फॉरेन कंट्री जाने का हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आती है आपकी लाइफ में। अब आपको चाहिए, अभी जैसे कोविड आया, कोविड ही को लोगों ने किस तरीके से पॉजिटिव लिया, किस तरीके से लोगों ने ऑनलाइन स्टोर बनाए, किस तरीके से लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की, किस तरीके से एप्लीकेशंस बनी ऑनलाइन एजुकेशन देने की, बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, कई इदारे उसके बाद ऑनलाइन ही हो गए। अब कल दो तीन दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक इदारा, आपको बड़ी बड़ी बात पते की बात है, एक इदारा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हुआ, अभी मतलब उस पर प्रॉपर वीडियो बनाई उन्होंने, टोटल ऑनलाइन,
टीचर घरों में बैठे हुए हैं, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, और उसको शफाफ रखने के लिए तरीक़ेकार उन्होंने सारे पर्पस हुकूमत को दिए कि हमारा तरीक़ेकार ये होगा, होगा ऑनलाइन, लेकिन सारा तरीक़ेकार ये होगा जिसके अंदर कोई भी वो नहीं होगे मामला, यानी टेस्ट में और इसमें उसमें, यानी कि कोई चीट नहीं हो सकती, इसका ये तरीक़ेकार होगा। हाँ, तो बाकायदा गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया, यानी ऑनलाइन स्कूल ज़बरदस्त, और वो अप्रूव भी हो गया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उन चीज़ों से लोगों ने मतलब है कि फ़ायदा भी उठाया है। अब हम, हमारे पास जो चीज़ें हैं अब हम उन्हें आंखें बंद करके रखें और हम मतलब है कि अपने आप को एक लूले लंगड़ों वाली हैसियत में हम रहें, हम कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। तो आप कोविड वाली जो बात कर रही हैं, तो कोविड में अच्छा गुजराती हैं ये एक अपने आप में गुजराती, पता नहीं क्यों मैं क्या बोलूं, बिजनेस माइंड इनके मतलब डीएनए में शामिल है, डीएनए में शामिल है। फिजिकल अपीयरेंस जो होता है ना इनका, वो आपके दिल के अंदर बड़ी बड़ी एक गूंज आने लग जाती है इनको देखकर कि यार ये गुजराती है, गुजराती। मतलब जब मैं नहीं भी जानती थी गौतम अडानी के बारे में और मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा था, तो मुझे फेस फीचर्स से ही लग गए थे कि ये गुजराती है 100%। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी ये कि गुजरातियों का मैं कहता हूँ कि इनका डीएनए टेस्ट किया जाए और थोड़ा थोड़ा वो डीएनए कहीं ब्लड के ज़रिए कहीं और भी दिया जाए, ताकि और दुनिया को भी फ़ायदा हो। समझ रही है ना, भौंडे, भौंडे, बिल्कुल भौंडे तरीके का लेकर आते हैं, पल्ले भी नहीं पड़ते। लेकिन बहुत अच्छा लगा, और बाकी मुझे मतलब थोड़ी सी खुशी इसलिए हो रही है, थोड़ी सी हो रही है मुझे तो, नहीं नहीं इस पॉइंट पर से हो रही है कि एशिया से, मतलब ऐसा है कि जैसे अपना अपना कोई बंदा जो है, अपना सच्ची अपना अपना एशिया का कोई बंदा जो है वो जो है तीसरे नंबर पे दुनिया का अमीर तरीन, ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई ये अच्छा ऐसा है ना कि ये हमारे कोई नेबर में कोई बहुत बड़ा कारनामा है, हाँ, तो हमें कितनी खुशी होती है। बिल्कुल, तो बस नेबरिंग कंट्री है हमारा, हमारा दोस्त कंट्री है, भले दिलों में जो भी खलिशें हो लेकिन हमारे दिल तो साफ है, हमारा हम तो बहुत प्यार करते हैं, और कुछ भी कोई भी प्रोग्रेस उनकी तरफ से होती है, कोई बंदा उनका कामयाब होता है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई झंडा वो गाड़ते हैं, तो यकीन करें मैं ये अंतर नहीं रखती कि वो इंडिया से। अच्छा, मेरे दिल में खुशी होती है। एक और चीज़ कि इनकी कोई बातचीत हमने नहीं देखी अभी तक, इनका कोई इंटरव्यू नहीं देखा, तो अभी जो छोटे से क्लिप थे जिसके अंदर वो बाकायदा बड़ी खुश मिजाजी से लोगों से मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब इनमें नहीं लग रहा कि शायद कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड, अच्छे लग रहे हैं, बहुत हम्बल लग रहे हैं, हाँ ऐसा लग रहा है कि मतलब मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं और खुश मिजाजी, खुश, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। और बाकी जब कोई वीडियो ऐसी होगी जिसके अंदर इनकी बातचीत होगी तो पता चलेगा कि भाई नेचर किस तरह के, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।